और इस बार और एक भारी पंगा हो गया दोस्तों, दोनों डॉटर और वाइफ। ऐसा लगा कि वो अकेले ही बाली जाएंगी और मुझे फिर से यहाँ से एक बार रिवर्स होना पड़ सकता है। तो आप इंडियन लाइसेंस के ऊपर भी यहाँ पे टू व्हीलर हायर कर सकते हो, चला सकते हो। यहाँ बड़ी बड़ी लिज़र्ड मिलती है क्योंकि जंगल है यहाँ पे। यहाँ का लखपति यहाँ पे अरबपति हो जाता है। 80% जो पॉपुलेशन है वो है हिंदू पॉपुलेशन। भाई मजा आ गया, इट वाज मोस्ट टफेस्ट राइड। तो गाइस ये जो कॉफी आप देख रहे हो ना, ये कॉफी है। आज जो है हम फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। न्यू दिल्ली इंडियन फूड जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट एकमात्र है मेरे हिसाब से। मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो ट्रैवल ब्लॉग है, इस बार का जो ट्रैवल ब्लॉग है वो है बाली पे, और मैं हूँ इस वक्त बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मैं यहाँ पे करीब 9 nights और 10 days के लिए हूँ। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि 3 दिन जो है, 3 nights जो है वो बुद्ध में रहूँगा, 2 दिन गिली आइलैंड, और 4 रात जो है मैं रहने वाला हूँ सेमिनियाक में। तो चप्पा चप्पा शूट होने वाला है। पिछला वो जो आपने बहुत ही पसंद किया है मेरा, पालोलेम बीच का गोवा का, और रीज़न यही था कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था वो। तो इस बार भी दोस्तों जो ब्लॉग बनने वाला है ना, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनने वाला है। टिकट बुकिंग से लेके यहाँ पे ट्रैवल तक, होटल बुकिंग से लेके चप्पा चप्पा घूमने तक सब कुछ शूट होने वाला है, और सबकी बारीक इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में डालने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। 3 places है तो 3 ब्लॉग बनाऊँगा। तो इस वक्त सबसे पहले यहाँ पे जो है वीज़ा का पेमेंट किया है, वीज़ा ऑन अराइवल है, $32 है, $32 है पर पर्सन का, जिसमें आपको 30 दिन का यहाँ पे वीज़ा मिलता है। तो वीज़ा का काम तो हो गया, बैगेज क्लेम करने के लिए जा रहा हूँ। तो हर चीज़ की जानकारी मैं डालते रहूँगा, फिलहाल बैगेज क्लेम करता हूँ और बैगेज लेके यहाँ से बाहर निकलूँगा। और इस बार और एक भारी पंगा हो गया दोस्तों। पंगा ये होगा कि एयरपोर्ट पे आते ही सबसे पहले जब अदानी लाउंज में मैं ब्रेकफास्ट के लिए गया मॉर्निंग को, तो आई लॉस्ट माई पासपोर्ट, और शॉपिंग भी काफ़ी सारी की थी ड्यूटी फ्री से, तो समझ में नहीं आया कि पासपोर्ट मैंने कहाँ रखा है। बट टचवुड, फ्लाइट शुरू हो, बोर्डिंग शुरू होने के ठीक 30 मिनट्स पहले मुझे कॉल आ गया एयरलाइन से कि सर हमें आपका पासपोर्ट मिला, आके अदानी लाउंज से कलेक्ट कर लीजिए। एंड थैंक गॉड, एक बार तो दिन में तारे दिख गए थे। ऐसा लगा कि इस बार मैं अपने फैमिली के साथ में हूँ, दोनों डॉटर और वाइफ। ऐसा लगा कि वो अकेले ही बाली जाएंगी और मुझे फिर से यहाँ से एक बार रिवर्स होना पड़ सकता है, मुंबई जाना पड़ सकता है, लेकिन टचवुड बच गया। दिन में तारे दिख गए थे, हकीकत बता रहा हूँ, दिन में तारे दिख गए थे इस बार। तो ये लापरवाही आप कभी मत कीजिए, पता नहीं मैंने कैसे ये कर लिए, आई रियली डोंट नो अबाउट इट, बट थैंक गॉड सब कुछ अब तक बराबर चल रहा है। अब चलते हैं बैगेज क्लेम के लिए, और वहाँ से बाहर जाके फिर खूबसूरत दृश्य को शूट करके सीधे जाएंगे उबुद। तो भाई साहब यहाँ पे ड्यूटी फ्री से शॉपिंग भी हो चुकी है, और बस शॉपिंग करके सीधे हम जा रहे हैं बैगेज क्लेम के लिए। बैगेज क्लेम में यहाँ पे ऐसा सीन है कि जब भी आपका ले ओवर फ्लाइट होती है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके बैगेज जो है यहाँ पे मिस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा टेंशन ये है कि आज हमारे बैगेज तो यहाँ पे प्रॉपरली है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो ये रे बैगेज क्लेम की लंबी सी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो भाई साहब एयरपोर्ट से बाहर आने में करीब करीब 2.5 घंटे लगे मुझे। एयरपोर्ट में इतने स्लो प्रोसेस से काम होता है यहाँ पे कि क्या बताऊँ। सबसे पहले तो आपको वीज़ा के लिए लाइन लगानी पड़ती है, फिर इमिग्रेशन के बाद में कस्टम डिक्लेरेशन, और कस्टम डिक्लेरेशन में जो है आपको खुद फॉर्म फिलअप करके सबको सबमिट करना पड़ता है। काफ़ी लोग जो नए, उनको ये पता नहीं होगा कि खुद ही सब कंप्यूटर लेके वहीं से वो रिसिप्ट प्रिंट निकाल के फिर आपको कस्टम क्लियर करना होता है। और इस वक्त मेरे साथ में आम आन इज विथ मी। हाँ, सो गाइस अगले 5 दिनों के लिए मेरे साथ में यहाँ पे सब कुछ जो है यहाँ पे घूमना फिरना आन ने यहाँ पे अरेंज किया, उन्होंने यहाँ पे आइटिनरी बनाई है। तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैं आपको स्क्रीन पे इस वक्त शेयर करूँगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा। तो अब जो है आन के साथ में हम यहाँ से उबुद निकलेंगे। उबुद यहाँ से करीब करीब 35 किलोमीटर्स, लेकिन समय जो है 2 घंटा लग जाएगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और एक बार और बता दो दोस्तों कि आज का पूरा दिन जो है मेरा जा चुका है, अब 4:45 हो गए हैं और करीब 7:30 या 8 बजे हम उबुद पहुँचेंगे। तो आज का डे पूरा ऐसा ही ख़त्म हो गया, बिगड़ गया है मेरा। तो ये एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है अब तक की। सो अब चलते हैं। तो भाई साहब काफ़ी सारी जानकारी अभी आन से मैंने ले ली यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे पुलिस होती नहीं है, यहाँ पे लोकल लोग जो है वही यहाँ पे पुलिस के जो अटायर में रहते हैं, यहाँ पे पुलिस के यूनिफॉर्म में रहते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक को हैंडल करते हैं। तो आप इंडियन लाइसेंस के ऊपर भी यहाँ पे 2-व्हीलर हायर कर सकते हो, चला सकते हो, कोई यहाँ पे चालान वालान करता नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है।
और अगर आप कार लेके यहाँ घूमना चाहो तो बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है यहाँ पे, तो कार आप अवॉइड ही कीजिए सेल्फ ड्राइव के लिए, या आप किसी को हायर कर लीजिए तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे किलोमीटर्स कम है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए, बट टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे, बिकॉज रास्ते जो है पतले सकरे से है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे आए सिम कार्ड के लिए, एयरपोर्ट से सिम कार्ड मत दीजिए, एयरपोर्ट पे सिम कार्ड बहुत महंगा पड़ता है। तो मुझे आन ने बताया यहीं एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर यहीं पे ये पोतरा सेल करके है, यहाँ से हम अभी एक सिम कार्ड लेंगे ताकि कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। वैसे बता दूँ कि मैंने बॉम्बे से अपने एक्चुअल एक सिम कार्ड को रोमिंग पर डाल दिया है, 1500 रुपये जियो वाला लेता है, जिसमें 150 मिनट आपको फ्री होती है, ओके 150 मिनट फ्री होती है। बट फिर भी मैं एक सिम कार्ड यहाँ का भी लेना चाहता हूँ, बिकॉज लोकल कॉल्स के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। Tell me something about your company. What kind of, you know, services you are providing over here? Everything, sir. About Bali. All about Bali. All about Bali. Yes, something like everything. Hotel, villa, car, and all activity in Bali also. Okay. Yes. How many Indians came to you for your itinerary? I don't know. So many? So many, sir. Mostly my client from Mumbai, Delhi, Hyderabad, Rajpur. Okay. Yes. सो मैं आपको बता दूं कि मुझे भी इनका रेफरेंस जो है मेरे कज़िन भाई राकेश ने दिया था और मुकेश ने दिया था मुझे यहाँ पे, और हमारे सर्कल में जितने भी लोग यहाँ पे आज तक आए हुए हैं उन्होंने किसी टूर्स एंड ट्रायल को हायर नहीं किया है यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। 80% क्लाइंट्स फ्रॉम इंडिया, दैट्स अ बिग थिंग, एंड 20% मलेशिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया, एंड यू आर द फर्स्ट चॉइस फॉर इंडियन पीपल। तो मुझे उन्होंने इनका नाम रेफर किया था, तो मैंने भी किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले को हायर नहीं किया और डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट किया है, और इन्हीं के थ्रू जो है उबुद की पूरी आइटनरी मैंने फाइनलाइज़ की है, और बाद में गिली एंड गिली के बाद में सेमिनार में मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं इनको याद करूँगा वहाँ पर भी। तो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही सीधे है, बहुत ही हम्बल है। आप भी जब कभी आए तो डेफिनेटली इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और इन्हीं को पूरा आइटनरी बनाने का मौका दीजिए। तो अभी वहाँ एक सुपर मार्केट में, यहाँ पे कुछ ग्रोसरी का सामान हमें लेना है, दिखा दो सुपर मार्केट कितना बड़ा और ह्यूज है, देखिए। सो वी आर एंटरिंग फ्रॉम हियर, तो गैस करीब करीब 2 घंटे के ड्राइव करने के बाद में हम उबुद के इस खूबसूरत लोकेशन पे पहुंच गए, जिसका नाम है DEDARY, ऐसा कुछ नाम है, स्पेलिंग है इसके। आपको एक बार कैमरा रोटेट करके दिखाता हूं कि इसका नाम क्या है, तो देख लीजिए। और इस होटल में जो है विला है, 2 बेडरूम हॉल किचन और विथ प्राइवेट स्विमिंग पूल, हमने 3 नाइट्स जो है यहीं पर बुक की हुई है, और जो मुझे आइटनरी कहीं जगहों से मिली थी सारी मैंने चेक की, और बाद में मेरी एक कज़िन जो थी वो यहीं पे स्टे करके आई थी, तो उसी की आइटनरी में से मैंने इसे एक्सप्लोर किया और देखा तो ये बिल्कुल मेरे टाइप की जगह थी, जो मेरा एक विला मुझे चाहिए था, प्राइवेट विला। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे विला है, इसमें 2 बेडरूम हॉल किचन है और प्राइवेट स्विमिंग पूल है। इस वक्त आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर बहुत ही हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, क्लाइमेट बहुत ही खुशनुमा है, ऐसा लग रहा है कि आप महाबलेश्वर में आ गए हो, बिल्कुल महाबलेश्वर वाली फीलिंग है, चारों ओर ग्रीनरी है। आज का पूरा दिन जो है हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। एक और सलाह मैं आपको दूंगा कि जब भी कभी बाली आते हो तो यार ले ओवर जर्नी मत करो, डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ लो। मुझे भी इसका इतना अनुभव नहीं था तो मैंने एक बीच में ले ओवर जर्नी ले ली, जिसकी वजह से बहुत ही लंबी ट्रैवलिंग हो गई, प्लस थक चुके हैं और आज का पूरा दिन जो है हमारा बिगड़ गया है। अब हम जाएंगे रूम में, और रूम का व्यू क्या है, उसका लोकेशन कैसा है, सब कुछ एक बार वो भी शूट करके आपको दिखाऊँगा। तो बस जैसे ही रूम रेडी होते हैं चलते हैं रूम में। तो कल रात को जो हमें इस प्रॉपर्टी को शूट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत कम थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी, तो उस चक्कर में इस प्रॉपर्टी को शूट कर पाना और अपने विला को शूट करके आपको दिखाना बहुत मुश्किल था। तो हम सोचा कि सुबह के बजे है
7:40, तो ब्रेकफास्ट टाइम भी है, तो बिफोर ब्रेकफास्ट आपको इस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा रूबरू कर लेता हूँ। देखिए इस वक्त मेरे ठीक पीछे ये एक ब्यूटीफुल सा स्टेचू, और ये है इसका एंट्रेंस, इस तरफ सारे विला है, तो बस यहीं होते हुए हम आगे चलेंगे। और विला सच कहूँ दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। जब मैंने रात को इस विला में एंटर किया तो पूरा बेड जो था बहुत ही खूबसूरती से डेकोर करके रखा था, उस पर बहुत ही ब्यूटीफुल से रोज़ के पैटर्न्स लगे हुए थे। तो जगह वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत सोच समझ के ये जगह बुक की थी मैंने। तो ये है अपना विला 805, और उसके बाहर ये खूबसूरत सा एक स्टेचू, और यहाँ पर भी कुछ ब्यूटीफुल से ये स्टेचू लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये विला जो है दोस्तों बता दो कि पूरा जंगल है, जंगल जंगल के बीच में इन्होंने इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी को बनाया है। रात भर बहुत सी अजीब अजीब आवाज़ें जो है थी यहाँ से आती रहती थी, और बहुत ही मज़ा आया। तो ये है विला का एंट्रेंस, अभी यहाँ से जो है हम जाएंगे। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये एक दूसरा ट्विन बेडरूम है, और जो नीचे है नीचे की तरफ वो है डबल बेड। तो अब चलेंगे यहाँ से नीचे। बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरती से इस प्रॉपर्टी को बनाया हुआ है, ऊपर जो ट्विन बेडरूम है। चलिए पहले मैं आपको ट्विन बेडरूम में लेकर चलता हूँ। तो ये है ट्विन बेडरूम, यहाँ से आपको एक इसका खूबसूरत सा व्यू दिखाता हूँ। ये है इसका बेड, इसके बाहर का ये सिटिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत, और इस तरफ जो है पूरा जंगल, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। तो यहाँ से आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए इस तरफ पूरा जंगल है, फॉरेस्ट व्यू है ये पूरा विला। और ये इसका बाथरूम, ब्यूटीफुल सा बाथरूम है ये भी, और ये है इसका शावर एरिया टब। और यहाँ पे जो खूबसूरत पार्ट ये दिया है, ये ओपन बाथरूम है, मैं आपको दिखाऊं कि इसे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ओपन बाथरूम है। देखिए बाथरूम के बाहर का, देखिए बाथरूम के बाहर का ये खूबसूरत सा व्यू, बहुत ही अच्छी लगी मुझे प्रॉपर्टी। और यहाँ से जो है पानी की आवाज़ जो है, पूरी रात भर ये पानी की आवाज़ जो यहाँ से आती रह रही है। और आपको और बता दूँ कि इस वक्त जो यहाँ पे है रेनी सीज़न चालू हो चुका है, तो पूरी रात हल्की हल्की सी बारिश थी, तो क्लाइमेट जो है बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत सा ये, यहाँ से हमने एंट्री की थी, और ये है इसका सिटिंग एरिया। और देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ का माहौल है। ये यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पूरा का पूरा ये जंगल, ये पूरा फॉरेस्ट व्यू है। और फॉरेस्ट व्यू विला का जो है प्राइजेस थोड़े ज़्यादा थे, नॉर्मल विला के कम थे। ये जो विला है मैंने बुक किया है 69,000 में, डबल बेडरूम विला। और ये दूसरे विला भी आप देख सकते हो, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ यहाँ पे 7 से 8 फॉरेस्ट व्यू है, फॉरेस्ट व्यू वाले विला है, और कुछ जो है दूसरे व्यू वाले विला है यहाँ पे। तो अब चलते हैं यहाँ से नीचे, आते ही सीधा सामने की ओर जो है ये खूबसूरत सा स्विमिंग पूल, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ से एक बार आपको और ये व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा ये पूल है इस वक्त मेरे पीछे। अमेजिंग अमेजिंग फील है दोस्तों। नॉर्मली मुंबई में सुबह 6-7 बजे उठना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर यहाँ पता नहीं कैसे सुबह 5 बजे ही नींद खुल गई। और इतनी खूबसूरत आवाज़ें जो जंगल में से आ रही थी, ये भी एक वजह है कि बहुत अच्छा लग रहा था उसे सुनना, उस वजह से भी शायद नींद खुल गई यहाँ पे। बाली में बता दूँ कि मैं यहाँ पे बहुत ही जंगल एरिया, इसकी वजह से रात को यहाँ पे लिजर्ड्स की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में अभी तक मैंने लिजर्ड देखी नहीं है। छोटी छोटी इक्का दुक्का रूम में देखी मैंने, बट इतना बड़ा इशू मैंने यहाँ पे नहीं देखा। यहाँ बड़ी बड़ी लिजर्ड मिलती है क्योंकि जंगल है यहाँ पे। तो अब चलता हूँ मैं अपने रूम में। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक डाइनिंग एरिया, यहाँ भी सिटिंग एरिया,
यहाँ पे एक प्रॉपर किचन दिया हुआ है, ये प्रॉपर किचन, यहाँ पे टोस्टर, सारे दूसरे ज़रूरत के सामान, यहाँ पे प्लेट्स, कप, ग्लासेस एंड यहाँ पे एक माइक्रोवेव ओवन दिया है, प्रॉपर गैस है। इस विला में स्पून्स वगैरह हैं, फ्रिज है, फ्रिज में ज़रूरत के सारे सामान इसमें रखे हुए हैं। और अब चलेंगे यहाँ से विला में। तो ये है दूसरा डबल बेड वाला विला, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कंफर्टेबल है। चलिए आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में और क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज आप एड ऑन कर सकते हो। तो इस वक्त मेरे पास में ये इनका एक मेन्यू है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसमें कैंडल लाइट डिनर है, फ्लोटिंग कैंडल इन द पूल है, फुल फ्लावर डेकोर इन द पूल है, फ्लोटिंग बलून इन द पूल है, फ्रेश फ्रूट डेकोर ऑन द बाथटब है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे इसमें डेकोरेशन है। जैसे कैंडल लाइट डिनर आपको यहाँ पे करना है तो जिसमें आपको एक वाइन दी जाएगी और यहाँ के जो है पैसे जो है 16,94,000 आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। और फ्लोटिंग कैंडल इन द पूल करनी है तो आपको 3,02,500 रुपये यहाँ के जो आईडीआर है यहाँ की करेंसी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा फ्लोटिंग बलून इन द पूल है तो 10,28,500 रुपीज़ है। और ऐसे करके आप बहुत सारी वैरायटी है। आपको अगर आपको हनीमून पे आए हो, एक अच्छे डेट पे आए हो अपनी वाइफ के साथ में या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, तो आप अलग अलग तरह से यहाँ पे डेकोर करके स्विमिंग पूल में और बाथ टब में भी, वहाँ पर भी ऑप्शन है, तो आप डेकोर करके बहुत ही खूबसूरती से इंजॉय कर सकते हो। वैसे बता दो कि बाली के लिए इंडिया वाले अगर बाली आते तो उनको लगेगा कि हम यार यहाँ के अरबपति है, बिकॉज कैलकुलेशन जो है बहुत ही गजब का है, बहुत ही गजब का है। यहाँ पे सारे जो बिल होते हैं लाखों में बिल बनते हैं, एक डिनर भी करोगे तो लाखों में बिल बनता है, एक लंच भी करोगे, ब्रेकफास्ट भी करोगे तो लाखों का बिल बनता है। लेकिन एक्चुअली में हमारे लिए बहुत ही उसका कन्वर्जन जो है बहुत ही सस्ता है। तो बाली रहने के हिसाब से, यहाँ पे स्टे के हिसाब से बहुत ही सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आने जाने की जो एयर टिकट है वही बहुत महंगी है। चलिए अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये जो है ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो थाई क्यूजिन जो है, ये इसके रेस्टोरेंट है, ये इसका मेन रिसेप्शन यहाँ से। और अब आपको लेके चल रहा हूँ ब्रेकफास्ट एरिया में, विल गो टू द ब्रेकफास्ट एरिया। साहब ब्रेकफास्ट होता बहुत ही अमेजिंग था। ब्रेकफास्ट में हमने आज अवाकाडो टोस्ट, पैनकेक, जूसेस, फ्रूट्स, सैंडविचेस और काफ़ी सारी दूसरी भी चीज़ें मंगाई थी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही सुपर ब्रेकफास्ट था। और अब जो है ओसा, जिसे आन ने भेजा है, उसके साथ हम जाएंगे सीधे एटीवी राइड के लिए। 9 बजे का टाइम था, वी आर ऑन टाइम, 9 o'clock। चलो फास्ट अभी। सो गाइस, हमारी कार रेडी है एंड नाउ वी आर लिविंग फॉर एटीवी राइड। जो ये कोकोनट है ये स्ट्रॉ के साथ में है। एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस क्रिशल? 249 यहाँ की करेंसी, 249 इंडियन रुपीस, सो इट्स क्वाइट वेरी कॉस्टली। सो यहाँ का जो प्राइस है ये दैट इज 47 रुपीस। तो
अब जो है एटीवी राइड जाने से पहले हमने सोचा कि फिर से एक बार इस सुपरमार्केट में आके थोड़ी शॉपिंग कर ले। तो अब जो है मनी एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे, कल एयरपोर्ट पे जो मनी एक्सचेंज किए थे दैट इज़ $1 के 15,000 यहाँ के रुपए, फिर बाहर जब आया तो $1 के मुझे 15,325 रुपए। और इसी जगह पे मैं वापस आया हूँ, मैंने पूछा कि यहाँ पे थोड़े अच्छे प्राइस मिलते हैं, तो यहाँ पे जाके $100 को मैं एक्सचेंज करूँगा इसी मॉल में। व्हाट इज़ एक्सचेंज रेट? 15,325. I had 15,500. Someone told me. Fix, right? No 15,500. Give me $100. So these are all the prices. यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी $1 का 15,325 है। तो $100 को exchange करेंगे। Thank you. तो दोस्तों 15,32,500 रुपये मुझे मिले हैं $100 के बदले। तो इंडिया का लखपति यहाँ पे अरबपति हो जाता है। सो दीज आर 15,32,500 रुपीज़। सो गाइस वी हैव रीच्ड टू दिस प्लेस जहाँ पे हम लोग ATV राइड करने वाले, और मेरे सामने इस वक्त पड़ी है कम से कम 15-20 ATV पड़ी है यहाँ पे, गाड़ियाँ पीछे लाइन लगी पड़ी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ATV राइड के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए कैमरा रोटेट करके आपको दिखाता हूँ, सारी ATV जो है वो क्लीन की जा रही है। ये देखिए बहुत सारी है यहाँ पे, ब्लैक कलर पीछे रेड कलर, और पूरी क्लीन की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर भी गणपति बापा की बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति। मैं आपको बता दूँ कि बाली में जो है 80% जो पॉपुलेशन है वो है हिंदू पॉपुलेशन, और 20% जो पॉपुलेशन है वो है दूसरी कंट्री के लोग यहाँ पर है, बट 80% जो है यहाँ पे हिंदू धर्म को बहुत माना जाता है। तो जगह जगह पे आपको गणपति जी की, शंकर भगवान की मूर्तियाँ जो है आपको देखने मिलेगी। स्लॉट फुल था लेकिन फिर भी जो है 2 ATV मिली है हमें। पहले जो हम 4 जो सिंगल्स ATV चलाने वाले थे उसके बदले अब ऐसा हुआ है कि 1 ATV पे 2 जन बैठेंगे, और वैसे भी जो थी क्रिशाल डाउटफुल थी, वो थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट फील कर रही थी चलाने के लिए, और पूनम भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रही थी। तो चलो अच्छा ही हुआ 2 ATV मिल रही है, 1 ATV पे 2 जन बैठेंगे। तो गाइस ATV राइड जो है अभी बुक कर लिया है, 19 लाख रुपए। एक यहाँ पे होता है सिंगल, एक होता है टेंडम। सिंगल जो है वो 6.5 लाख रुपए का कुछ ऑफर था यहाँ पे, और डबल जो टेंडम कहते हैं जिसे 9,50,000 रुपए डिस्काउंट करके प्राइस दिया है, जिसमें गाइड करेंगे, शूज़ यहाँ से देंगे, शॉवर के लिए अलाउड है, और लंच इंक्लूडेड है, और साथ में यहाँ से बूट्स भी देंगे चेंज करने के लिए। और करीब 19 लाख रुपए यहाँ के, यानी कि इंडिया के हो गए 10,000 रुपए 2 ATV 22 के, जिसके ऊपर 4 जन बैठ के हम कर सकते हैं, जिसमें लंच भी इंक्लूडेड है। तो नॉट अ बैड डील। तो अब जो यहाँ से लॉकर लूँगा और लॉकर में सारे सामान रख देंगे, एंड देन अगले 15 मिनट के बाद में जो है ATV राइड स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें लॉकर भी मिल गया है, लॉकर नंबर है 9। तो सामान जो है लॉकर में रख देंगे। अरे क्या रख रहे हो लॉकर में अभी? हम लोग के बैग, फोन पापा ले रही हूं मैं अपना, हम लोग के पास GoPro नहीं है। ओके आप GoPro मतलब हमें तो पकड़, एक मिनट यार। भाई मजा आ गया, इट वॉज मोस्ट टफेस्ट राइड। सच बोलूँ तो मढ़ में एक बार हालत ख़राब हो गई थी, इतना सारा पानी था घुटने तक, उसमें से ये ATV राइड चला के हम लोग आगे निकले हैं। और मैंने चलाया इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रायना और क्रिशाल पीछे बैठ के इतने टफेस्ट रास्तों पे ये चला रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लाइफ में पहली बार ATV राइड कर रहा हूँ, समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी एडवेंचरस, मज़ा आ गया, मस्ट ट्राई। तो गाइस अभी रिव्यू दे देता हूँ आपको ATV राइड की, बहुत ही अमेजिंग एडवेंचरस राइड थी। बोलते हैं ना KTM 390 एडवेंचर, उस पर भी जितनी हद तक मैंने एडवेंचर राइड नहीं की उससे 10 गुना ज़्यादा एडवेंचर राइड आज ATV पे हो गई है। बहुत ही धमाल का एक्सपीरियंस आई है, मतलब टच वुड मैं कहूँ ज़िंदगी में एक बार बहुत ज़रूर आपको करना चाहिए। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि रायना ने इसे किया, मैं
सोच भी नहीं सकता था कि वो इसे कर पाएगी, बिकॉज बहुत टफ है, दोनों हाथ पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आता है। बाइक जितनी ईजी समझते उतनी ईजी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ताकत लगानी पड़ती है, स्पेशली टर्न के टाइम पर। और रास्ता भी बहुत ही ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे था, तो बहुत ही अमेजिंग ये फील रहा। अब जो है यहाँ पे एक लंच का एक ब्रेक है, उसके बाद तीर्था टेम्पल, तो लंच की तैयारी हो चुकी है। हमने यहाँ पे फ्राइड राइस और नूडल्स ऑर्डर किए हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो विल गो एंड हैव सम फूड, लेट्स मूव। तो गाइस, इन्होंने राइड करते हुए बहुत सारे खूबसूरत पिक्चर जो है क्लिक की है, तो बताने के इन्होंने मुझे लैपटॉप दिया है, देखिए आपको भी दिखाता हूँ। आप लोग भी इतना अच्छा है। पिक्चर जो है वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी चार्जेबल है, फ्री में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो देखते हैं अगर रिजनेबल होगा तो डेफिनेटली वी विल टेक दिस पिक्चर फ्रॉम देम। पिक्चर्स मैंने इनसे ले लिए हैं, 20 पिक्चर्स के इन्होंने चार्ज किए हैं करीब करीब 3,50,000 रुपीज़, यानी कि इंडिया के हो गए 1855 रुपए में 20 फ़ोटो। तो इन्होंने मेरे नंबर लिए और मुझे गूगल ड्राइव पे पिक्चर भेज देंगे। पिक्चर वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल थे, अमेजिंग थे, मज़ा आ गया। मेमोरीज़ बहुत मैटर करती है मेरे लिए, तो उसके सामने 1800-1900 रुपये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारे पिक्चर्स मैंने गूगल ड्राइव मंगा लिए। अब चलते हैं तीर्था टेम्पल की तरफ, उससे पहले फिर एक बार मुझे मनी एक्सचेंज करने हैं, तो पहले मनी एक्सचेंज एंड देन तीर्था। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं तीर्था टेम्पल पे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुराना ये टेम्पल है। टेम्पल के बारे में बता दूं कि ये जो टेम्पल है ये इंद्र भगवान ने बनाया था हज़ारों साल पहले, और यहाँ पे जो है स्प्रिंग है, यानी कि पानी के ज़मीन के नीचे से जो फवारे आते हैं, और बहुत ही होली स्प्रिंग्स है, यहाँ पे आके उसमें नहाने से कहा जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं, बहुत ही पवित्र पानी है और ये नेचुरल स्प्रिंग है। यहाँ पे ऐसे कई टेंपल है, पर इस टेंपल की जो महिमा है वो बिल्कुल दूसरे टेंपल से बहुत ही अलग है। खुद ओबामा भी जो थे, जब वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी अपने विश लिस्ट में तीर्था टेंपल के दर्शन करना का प्लान किया था, तो वो अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे। तो इस टेंपल की बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अद्भुत महिमा है, तो हम बस उसी के लिए, हम भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं। अब एंट्री चार्ज जो है वो 2,00,000 रुपीज़ है, 2,00,000 रुपीज़ यानी इंडिया का हो गया 1,000 रुपये के आसपास। इधर ले रहे हैं फोटो, उधर अच्छा। तो एक एक करके सभी ने सैरोंग पहन लिया है, और यहाँ पे जो है एक हमारा फोटो क्लिक करेंगे मंदिर के पास। अभी हम लोग आए हैं उमा चेकिंग, जहाँ पे बाली स्विंग होता है। बाली स्विंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन मुझे इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है, और इसके बाद जो है कृतिया करके एक जगह है जहाँ पर हम जाएंगे, उधर भी बाली स्विंग होता है। तो पहले चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ का नज़ारा क्या है। चलिए कैमरा रोटेट करता हूँ, आपको थोड़ा सा एक सीन दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल है। ये देखिए, सो दिस इज वेरी गुड प्लेस। अच्छा, ओके, यहाँ पे जिप लाइनिंग भी है, ये बाली स्विंग है ये, और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी रेस्टोरेंट है, जैसा आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे। तो लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे जो है एंट्री फ़ीस कुछ भी नहीं है। वैसे कृतिया में बता दूँ कि वहाँ पे एंट्री फ़ीस लगती है, एंट्री चार्ज है, फ्री कुछ भी नहीं है वहाँ पे, पर यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज नहीं है। तो अब देखते हैं, थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय करेंगे, अगर साथ में बच्चों और वाइफ को बाली स्विंग करना हो तो स्विंग भी करेंगे, अदरवाइज यहाँ बैठ के रेस्टोरेंट में एक कॉफ़ी तो पी जा सकती है। अभी जो है हमने बाली स्विंग जो है बुक कर लिया है, प्राइस भी आपको बता देता हूँ कि क्या प्राइस है।
प्राइस है सिंगल पर्सन के 3.5 लाख रुपए और कपल के है 4 लाख रुपए और ड्रेस के है 1.5 लाख रुपए। तो कुल मिला के हम चारों ने पे किया है 12,50,000 रुपये, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से कुछ 6,500 रुपये होते हैं। और जिसके साथ जो है यहाँ पे दूसरे भी कुछ फ़ोटोग्राफी के जो जगह है जहाँ पे राइस फील्ड में, उस जगह पे जाके फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हो। 4-5 बहुत ही खूबसूरत से स्पॉट्स है, तो देखते हैं, मज़ा आने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड, वाइफ और बच्चे गए ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। और मैं इस वक्त यहाँ पे इस कैफ़े के ठीक सामने खड़ा हूँ, जहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सामने का जो नज़ारा है, जो कि आपको मैंने ऊपर से शूट करके दिखाया था, अब आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये है यहाँ की खूबसूरत सी रेस्टोरेंट, जहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पीजिए, इन्जॉय कीजिए। इवनिंग को इन्जॉय करने के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं है। तो यह है इसका बार काउंटर, आई थिंक ड्रिंक्स वगैरह भी यहाँ पे मिलते ही होंगे। हाँ, मिलते हैं यहाँ पे। तो दिस प्लेस इज़ लाइक हेवन, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और ये मेरे पीछे का खूबसूरत नज़ारा, तो अब चलते हैं, लाइन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है। और उसके बाद जो है ऐसे ही नंबर आएगा, हम चलेंगे स्विंग के लिए। ये जो ड्रेसेस है इस वक्त, इसमें से आप कोई भी ड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बता रहा हूँ कि पूनम और मेरे बच्चे जो है पैना किशन, इसमें से कोई भी ड्रेस सिलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा ड्रेस सिलेक्ट किया? येलो। क्रिशल तेरा? पिंक। ओके, सच कहूँ दोस्तों, तो यहाँ का स्टाफ जो है ना, बहुत ही सुपर्ब है। एक से एक एंगल से फोटोग्राफी करने में वो माहिर है। बहुत गजब के फोटोग्राफ्स उन्होंने हमारे लिए, बहुत ही मज़ा और बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज यहाँ पे फोटोग्राफ के साथ, बाली स्विंग के साथ में हम लोगों ने क्रिएट की है। अब हम यहाँ से चलेंगे दूसरी जगह पर, जहाँ पर भी हमें जाके बहुत धमाल करनी है, जहाँ पर एक इन्फिनिटी पूल है, कृतिया करके जगह, कृतिया, वहाँ पर भी बाली स्विंग है। और कृतिया जो जगह है वहाँ पर इन्फिनिटी पूल है, वहाँ बैठ के आज शाम जो है चिल आउट करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और साथ में स्विमिंग भी करेंगे। कम विथ मी। सो गाइस, नाउ वी हैव कम टू कृतिया। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पे। आप देख सकते हो इसका एंट्रेंस, और यहाँ पर अभी एंट्री के 50,000 रुपये है, 50,000 रुपीज़, यानी 4 जन के 2 लाख रुपये। बहुत ही ठीक है, रीजनेबल है, नॉट बैड, बट इट्स नॉट अ कवर चार्ज। आपको अंदर जाके और भी खाने पीने के पे करने होंगे, और स्विमिंग पूल एक्सेस फ्री है, 18 साल से नीचे के बच्चे स्विमिंग नहीं कर सकते। तो चले चलते अंदर। हेलो, व्हाट आर ऑल दिस? आई दिस वन द पुप कॉफी। ओह, पुप कॉफी, दिस वन लुवाक या मंगूस सिकदर चमा मजा। तो गाइस, ये जो कॉफी आप देख रहे हो ना, ये पुप कॉफी है। कैट को कॉफ़ी पिलाते हैं, कॉफ़ी खिलाते हैं, और जो पूप में कॉफ़ी निकलती है उसके बाद में ये कुछ ऐसी होती है, और इसको रिफाइन करने के बाद में ये कॉफ़ी ऐसी बनती है। तो यहाँ के लोग जो है कैट से निकले हुए पूप की जो है कॉफ़ी पीते हैं। बहुत ही स्ट्रेंज है, यहाँ पे उसका एक टूर भी होता है, लेकिन मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं पूप कॉफ़ी पीऊँ। Your face is same with my friend downstairs. Okay. Where we can? Yes, my friend is downstairs. Just a little bit of same. Yeah, I think. Why? तो गाइज, आपको कृतिया का रिव्यू दे देता हूँ। प्लेस इज़ हेवन, बहुत ही अच्छी म्यूज़िक है यहाँ पे, इन्फिनिटी पूल इज़ सुपर्ब, फूड इज़ सुपर्ब। हमने पिज़्ज़ा मंगाया था, जूसेस एंड फ्रेंच फ्राइज। तो फूड इज़ अमेजिंग, लेकिन यहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है, एशियन रेस्टोरेंट, और एक है यूरोपियन रेस्टोरेंट। तो इट्स ऑल योर चॉइस कि आपको क्या फूड खाना है, उसके हिसाब से आप बैठ सकते हो। अदर थिंग कि यहाँ पे आने के लिए आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है साथ में पहन के आइए। यहाँ पे अगर आपको बैग में कैमरे, कैश,
सारी एक्सेसरीज जो महंगी एक्सेसरीज है अगर आप लेके आते हो तो यहाँ पे लॉकर नहीं है, यहाँ पे लॉकर जो है वो ओपन लॉकर है, तो आप उस चक्कर में स्विमिंग कर नहीं पाओगे क्योंकि आप किसके भरोसे पर रखोगे। मेरे साथ में भी आज यही हुआ, साथ में कैमरा था, कैश था और बाकी सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे मेरे साथ में, तो मैं उसे रख नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे लॉक वाला लॉकर नहीं था, तो ये एक मिस्टेक हो गई। उस चक्कर में मैंने यहाँ पे स्विमिंग नहीं की है और आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप आते हो तो ये सारी जो कीमती चीज़ें हैं घर पे रख के आइए होटल के रूम में, और बाद में यू कम टू दिस प्लेस तो आप प्रॉपरली जगह को इंजॉय कर सकोगे, स्विमिंग कर पाओगे। और यस, थोड़ा और जल्दी आओगे 4 बजे के पहले तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, बिकॉज पब्लिक बहुत ज़्यादा थी आज यहाँ पे, टेबल भी खाली नहीं थे, उसमें बारिश भी हो गई, तो काफ़ी कुछ एक साथ में हुआ तो मैं स्विमिंग नहीं कर पाया हूँ। तो नाउ इट्स टाइम, नाउ दिस इज इट्स 5:35 एंड आई एम प्लानिंग टू गो बैक टू माय होटल, वहाँ पे पूल को भी इंजॉय करूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज का जो है बहुत ही बड़ा सरप्राइज जो है वो ये है कि आज जो है हम फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो इस वक्त मेरे सामने जो है हमारा ब्रेकफास्ट जो है पूरा रेडी हो चुका है और फिलहाल जो है स्विमिंग पूल में फ्लोट कर रहा है, तो मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ कि कितना मज़ा आने वाला है आज सुबह ये ब्रेकफास्ट करके। तो कैमरा रोटेट करता हूँ और आपको भी साथ में लेके चलता हूँ, ये देखिए। तो गाइस, आज का दिन जो है थोड़ा सा रिलैक्स वाला डे रखा है, इसमें घूमेंगे कम लेकिन बहुत ऐसी जगह पे घूमेंगे जो कि यहाँ के कल्चर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो हम आए हैं यहाँ पे सारी देवी गोल्ड एंड सिल्वर कलेक्शन करके यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बहुत ही अच्छा गोल्ड एंड सिल्वर का कलेक्शन है, तो कैमरा रोटेट करता हूँ और आपको भी साथ में ले कर चलता हूँ। देख सकते हो आप मेरे सामने, ठीक है, सारी देवी गोल्ड आर्ट गोल्ड एंड सिल्वर कलेक्शन, सो वी आर एंटरिंग फ्रॉम हियर। यहाँ पे मुजी आर्ट फैमिली, मेरे पीछे ये बोर्ड देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऐसा सुना है पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती है और कहीं कहीं पे तो है वैक्स से पेंटिंग होती है, तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस ये भी होने वाला है। और आपको बता दूँ कि वहाँ सिल्वर जो गोल्ड की जो दुकान थी, शॉप जो थी, वहाँ से हमने 2 सिल्वर ज्वेलरी परचेज़ की है। एक मैं दोनों दिखाऊँगा आपको, मुँह से नहीं बोलूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी है, करीब 6-7 हज़ार रुपये की है और बहुत ही हम्बल लोग हैं यार यहाँ पे। मैंने ये देखा कि मारी के लोग जो है बहुत ही प्यारे लोग हैं, 6-7 हज़ार की ज्वेलरी में वो बेचारे बाहर तक आके कार तक हमें ड्रॉप करके गए और 10 बार तो उन्होंने थैंक्स कहा होगा, बहुत ही पोलाइट हो गया। आई रियली लाइक द पीपल ऑफ बाली। तो अब चलते हैं मुजी आर्ट फैमिली में, ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका एंट्रेंस है, और एंट्री होते ही सबसे पहले यहाँ पे बुद्धा भगवान का ये ब्यूटीफुल सा एक स्टेचू, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। और यहाँ से अब जो सीधे जाएंगे अंदर, तो जाते ही आपको पता चल जाएगा कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पेंटिंग्स का काम चालू है। जैसे देखिए लेफ्ट में बहुत ही खूबसूरत सा फूलों की पेंटिंग बना रहे हैं ये, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये खेत है और खेत के बीच में लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल वर्क में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। आपको दिखाता हूँ कि ये आर्ट गैलरी जो है कितनी खूबसूरत है। तो अभी हम आए हैं उबुद सेंटर में, काफ़ी घूम घुमा के, और सच कहूँ 3 दिन से हम उबुद में थे, जिस होटल में हम रुके थे, रिसॉर्ट में थे, बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है, उबुद सेंटर से करीब 5-6 किलोमीटर वो एरिया दूर था, तो वहाँ पे इतने लोगों की आवाजाही देखी नहीं, बहुत ही कम लोग थे वहाँ पे। तो आज उबुद सेंटर में आके कसम से बोलूँ बहुत ही थोड़ा हैपनिंग भी लग रहा है, और यहाँ पे बहुत ही लोगों की चहल पहल है। मेरे ठीक सामने सरस्वती टेम्पल है, बहुत ही पुराना टेम्पल है, और यहाँ पे इंडियन क्यूजिन बहुत है, इंडियन
फूड खाने के इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, स्ट्रीट शॉपिंग है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो ये मिल्क एंड आदू, मिल्क एंड आदू, ये जो है कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ, ये मिल्क एंड आदू जो है ये प्योर वीगन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और इसके ठीक बाजू में इंडियन क्यूजीन, ये देखिए इंडियन क्यूजीन, ये भी सारा इंडियन खाना है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे दूसरे भी इंडियन रेस्टोरेंट्स है, खाने पीने की कोई चिंता नहीं। अगर आप थोड़ा सिटी में रहना चाहते हो उबुद में, तो आप उबुद सेंटर में आसपास बहुत सारी होटल हैं, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा आइसोलेटेड चाहिए कि नहीं पब्लिक नहीं शांति प्रिय लोग हो, तो आप फिर जहाँ मैं रुका था उसके आसपास और भी सारी कई सारी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ थी। तो चलिए अब थोड़ा खाना खाया जाए, बिकॉज स्पेशल को बहुत भूख लगी है, टू विल हैव समथिंग। इंडियन क्यूजीन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे प्योर जैन फूड भी आपको मिलता है, लेकिन मेरे फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज वहाँ पे नॉनवेज भी है, तो थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे। तो अभी थोड़ा गूगल किया है हमने, यहाँ पे एक और इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो जहाँ पे प्योर वेज खाना मिल जाएगा, वो कि जो यहाँ से करीब करीब 15 से 20 मिनट का वॉक है, तो वैसे भी शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग करते करते वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। देखिए मेरे ठीक लेफ्ट में जो अभी है सरस्वती टेम्पल है, और यहाँ पर टेम्पल की ये खासियत यहाँ के, यहाँ पे कार्विंग बहुत ज़बरदस्त है टेम्पल पे। मैं वो कैमरा रोटेट करके एक बार ये सरस्वती टेम्पल दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी कार्विंग मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी ब्यूटीफुल इस पर कार्विंग की गई है। सारे टेम्पल इसी तरह, उसके बाहर कुछ ना कुछ स्टेचू बने हुए हैं और ब्यूटीफुल ये कार्विंग इन सारे टेम्पलों पर, ये मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। ये है यहाँ का टेम्पल, सरस्वती टेम्पल, ओके। और ये ठीक आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हो, पूरा एक शॉपिंग मॉल जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे ये स्ट्रीट जो है पूरी शॉपिंग की स्ट्रीट है। तो अब हम इस शॉपिंग मॉल में सोच रहे कि जाए और थोड़ा बहुत यहाँ पे कोई शॉपिंग करें, और बस 2 घंटा यही काम है, तो लेट्स गो गाइस। न्यू दिल्ली इंडियन फूड, जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट एकमात्र है मेरे हिसाब से यहाँ पे, और भी कोई होगी तो मुझे पता नहीं। ये देख लीजिए न्यू दिल्ली इंडियन फूड करके रेस्टोरेंट है ये। अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, ब्लैक दाल, पनीर पालक, कोफ्ता करी, सब कुछ है यहाँ पे। देखने में इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही है, बट अभी क्या कर सकते, प्योर वेज चाहिए तो आपको और कोई ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा नहीं। सो नाउ हियर कम टू दिस प्लेस एंड वी विल हैव आवर लंच ओवर हियर। अभी फूड का एक रिव्यू दे देता हूँ, प्योर ढाबे टाइप का अगर खाना खाना है ना, जैसा राजस्थान में मिलता है ढाबे में, वैसा फूड था यहाँ पे, एकदम चटाकेदार स्पाइसी था फूड में। हमने एक तो पनीर टिक्का मंगाया था, और दूसरा जो मंगाया था हमने पालक पनीर, स्टीम राइस, रोटी, अमेजिंग अमेजिंग। आई विल रिकमेंड यू गाइस कि अगर आपको परदेश में फॉरेन में अगर ऐसा चटाकेदार खाना खाना है, तो यू मस्ट विजिट टू दिस प्लेस न्यू दिल्ली होटल। उत्तराखंड के लोग हैं ये लोग, और उन्होंने ही यहाँ पे ये होटल खोली है 5 साल पहले, तो आई विल रिकमेंड यू गाइस, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस अब जो आज का हमारा दूसरा प्लान था वो ये था कि कल तो क्रिटिया में हमें पार्टी करने नहीं मिला, बहुत ज़्यादा रश थी, टेबल भी नहीं था, बारिश भी हो चुकी थी। तो आज जो है यहाँ का दूसरा एक फेमस जगह है जिसका नाम है उमा डे क्लब बाली, ये देख लो। और यहाँ से जो हम चल के जाने वाले हैं सीधे उमा डे क्लब में, जहाँ पे ठीक मेरे सामने जो आप ये ब्रिज देख रहे हो, ये पूरा ग्लास ब्रिज है। तो मज़ा आने वाली है ग्लास ब्रिज पे चल के उमा डे क्लब, और क्लोजिंग टाइम 7 o'clock है, तो बज चुके हैं 5:30, यानी हमारे पास समय बहुत कम है, तो इस कम समय में इंजॉय भी पूरा करना है हमें, तो चलते हैं।
एंट्री के लगे हैं 80,000 रुपये यहाँ के, यानी कि 500 रुपये चार जन के, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। और यहाँ ये जगह सबसे फेमस है वो इस बात के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल है, काफ़ी सारे लोग वाटरफॉल में यहाँ पे नहाने के लिए भी आते हैं, तो यही एक वजह है कि ये जगह बहुत फेमस है और बहुत ही अच्छा वाइब है यहाँ का भी। चलिए मैं आपको यहाँ से एक कैमरा रोटेट करके नीचे का शॉट दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है। ये देखो, ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर दो टाइप की रेस्टोरेंट है। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको मिनिमम पे बिल नहीं बनना चाहिए, कितना भी बिल बने आप बैठ सकते हो, और दूसरी जो रेस्टोरेंट है उसमें मिनिमम अमाउंट आपको देना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे बैठ सकते हो, और उसमें भी और दो तीन कैटेगरी है। तो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है बहुत बड़ा, आपको स्विमिंग पूल भी दिखाता हूँ। अब जिस रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ जहाँ पे मिनिमम बिल की ज़रूरत नहीं है, आप कितना भी आप दे सकते हो पेमेंट और ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन रूल्स ये है क्योंकि अगर यहाँ पे सामने जो वाटरफॉल है अगर वहाँ पे आपको जाना है तो यहाँ पे पहले आपको कुछ ना कुछ एक आधा ड्रिंक कॉकटेल मॉकटेल या कॉफ़ी मंगानी पड़ेगी, तभी आप कॉकटेल या मॉकटेल जो भी लेके आप वाटरफॉल तक जा सकते हो। वाटरफॉल का जो क्लोजिंग टाइम है वो 6:30 बजे का है, और ये बार तो ये रेस्टोरेंट तो खुली है 9 बजे तक, तो 9 बजे तक आप पार्टी कर सकते हो। ठीक मेरे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो वो है बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल, और अगर आपको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग भी 80,000 रुपये की जो एंट्री है यहाँ की उसमें कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे ठीक मेरे पीछे जो है यहाँ का चेंजिंग रूम है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी लॉकर नहीं है, आपको यहाँ पे एक बास्केट दी जाती है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, क्योंकि सेम वही आपके खुद के रिस्क है। ये यहाँ का नीचे का व्यू, तो आज टेंशन नहीं है क्योंकि पूनम और कृषा जो है स्विमिंग के लिए नहीं आ रही है, तो हम कपड़े खोल के हमारे सारे जो महंगे सामान हैं वो हम दोनों को देके मैं और रैना जो है स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जा रहे हैं, और रैना जो है यहाँ पर भी वाटरफॉल पे भी स्विमिंग करना चाहती है तो वो कपड़े चेंज करने गई है स्विम वेयर के लिए। तो अब यहाँ से नीचे निकल के हम लोग जाएंगे सीधे इस ब्यूटीफुल खूबसूरत से लोकेशन पे, जहाँ पे जाने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और सिर्फ जो है अभी 40 मिनट्स बचे हैं बंद होने में, चलिए चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो इस वक्त सुबह के बजे है 7:45 और ठीक 7 बजे जो है हमें आज उबुद से यहाँ से गिली के लिए निकलना है। तो उबुद से गिली जाने के लिए यहाँ से ठीक 1 घंटे 20 मिनट का रास्ता है, पुतोंग पोर्ट करके यहाँ पे पोर्ट है जहाँ से हमें फेरी मिलती है गिली के लिए। तो बस 3 दिन यहाँ पे ख़त्म हो गए हमें पता भी नहीं चला, और सच कहूँ दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज़ के साथ में अब मैं उबुद को अलविदा कह रहा हूँ। पता नहीं अगली बार कब आऊँगा, लेकिन डेफ़िनेटली आऊँगा इतना तो मुझे पता है, क्योंकि ये जगह मेरे टाइप की है, मेरे पसंद की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही शांति है, बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ पे, और इतनी खूबसूरत मेमोरी और इतनी खूबसूरत ये रिसोर्ट है कि छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है, बट गिली भी जाना है और गिली से सेमिनियाक भी जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उबुद का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और डेफ़िनेटली पसंद आए तो बस करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।